Now, as far as and of of अगर हम लोगों ने बात की तो वॉट इज बैटल ऑफ सक्सेशन तो हमने पहले ही देखा था एज फार एज इस्लामिक इस्लामिकम में कोई डॉक्ट्रीन ऑफ प्रीमोगेचर जो है वो नहीं होता

इनिशियल पीरियड से ही पड़ जाते थे एंड यही कोर्ट फैक्शन में म्यूचुअल जेलिस एंडर आफ्टर बैटल ऑफ सक्सेशन वॉर ऑफ सक्सेशन हम लोग को दिखाई देस्ट लेवल पे अगर बात करें तो इट वॉज अकबर जिसके जाने के बाद उनके बेटों में प्रिसाइडली प्रिंस दानियाल एंड आफ्टर फिर प्रिंस सलीम दोनों में बैटल ऑफ सक्सेशन हम लोग को दिखाई दिया है इवन वेन जहांगीर अल्टीमेटली बिकेम द किंग और प्रिंस सलीम अल्टीमेटली बिकेम द किंग उसके बेटों के बीच में दैट इज बेसिकली प्रिंस खुर्राम एंड आफ्टर प्रिंस खुसरो इनके बीच में भी हम लोगों को, को एक ब्रिफ दिखाई दिया है बोथ ऑफ देम वे नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रूल ऑफ देयर फादर दैट इज जहांगीर वैसे ही जहांगीर के फ्लैग एंड में 1627 के अराउंड भी एक बैटल ऑफ सक्सेशन हुआ एंड फिर ये बैटल ऑफ सक्सेशन में जो जहां शाहजहां जो है ही अल्टीमेटली किल्ड ऑल हिज ब्रदर इन ऑर्डर टू एज्यूम द थ्रोन एंड ऑब्वियसली फिर शाहजहां के साथ भी वही होने वाला था शाहजहां हिमसेल्फ हैड फोर सन सबसे पहले जो है दारा हु वाज हिज फेवरेट एज वेल एज हेयर अपैरन इसको

लोगों के बीच में मतलब बेटों के बीच में बैटल ऑफ सक्सेशन चालू होना ही है तो इसके भी जो चार बेटे थे दैट इज बेसिकली प्रिंस दारा सुको हो सकता है शाह शुजा हो सकता है मुराद हो सकता है एंड औरंगजेब हो सकता है इन सब में एज आई टोल्ड यू इनमें वॉर तो होने ही वाला था बट दारा वॉज ऑलवेज फेवरेट एंड दारा सिको ने फ्रॉम सिक्सटीन हंड्रेड एंड थर्टीजीन हंड्रेड एंड फोर्टीन इट से बीच में बॉडी सिस्टमैटिकली तरीके से जो अपने जितने भी भाई है is, तीन भाई, उनको मुगल एम्पायर के फ्रेंजेस के ऊपर भेज दिया था टॉकिंग ऑफ़ द इसमें औरंगज़ेब जो सबसे है टॉक और लेके सिक्सटीन हंड्रेड एंड वॉज आउट ऑफ कोर्ट फॉर ऑलमोस्ट ट्वेंटी रूलिंग

बट इल होने के बाद या फिर बेसिकली बीमार पड़ने के बाद जो है मुगल एम्पायर अपना डेली कोर्ट जो कंडक्ट करता था उसमें दिख नहीं रहा है एंड फिर ये वाला एस्पेक्ट ऑलमोस्ट दस दिन के लिए चला एंड वैन दस दिन के लिए एम्पायर वॉज नॉट विजिबल टू तो ऑर्डिनरी पीपल दिल्ली से रूमर उठने ही थे एंड दिल्ली से रिमोट उठे एंड फिर ऑब्वियसली रूमर जो है तीनों भाइयों के पास जाके पहुंचे एक के पास बंगाल था एक के पास गुजरात था और एक के पास दखन था एंड इवन दो दिस वॉज द आउटस्कर्ट ऑफ द एम्पायर ट्रेडिशनली सल्तनत पीरियड ऑफ टाइम से हमने देखा है कि बंगाल हो सकता है एंड गुजरात हो सकता है दिस वेर क्वाइट इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर मुगल एंड दिस एरिया वेर क्वाइट प्रॉस्परसो सो द पर्सन हु इज होल्डिंग दिस एरिया ये ईजीली दिल्ली को सबड्यू कर सकते हैं एंड औरंगजेब सीज दिस अपॉर्चुनिटी औरंगजेब ने सबसे पहले अपना छोटा भाई मुराद जो था

उसमें कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मुराद एंड औरंगजेब दे दे डिफीटेड डिफीटेड शाह शुजा सॉरी दारा दारा एंड दिफीटेड को डिफीट करने के बाद मुराद एंड औरंगजेब के हाथ में दिल्ली की पावर जो वो आ गई इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर शाहजहान जो बेसिकली सिर्फ बीमार पड़ा था ही वॉज नॉट बेसिकलीट इल और टर्मिनली इल अल्टीमेटली ही वॉज टू रिमेन प्रिजनर ऑफ औरंगजेब फॉर फर्दर टेन मोर इयर्स हंड्रेड एंड सिक्स बट ये बैटल के बाद जो है ये अपना दारा सिखो वो भाग गया एंड भागने के बाद दारा सिखो के बहुत सारे जो बेसिकली ये थे दैट इज uh, जो मिलिट्री कमांडर थे दे स्टार्टेड टू शिफ्ट द साइड बट ऑब्वियसली उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो था वो था राणा जय सिंह का ही जो बाद में मिर्जा राजा जय सिंह भी बने एंड उनका जो एक बेसिकली शिफ्टिंग था और शिफ्टिंग ऑफ एलिजेंस था फ्रॉम दारा सिखो टू तो औरंगजेब आफ्टर बैटल ऑफ धर्मत वो काफी क्रूशल माना जाता है कि ये बैटल ऑफ सक्सेशन औरंगजेब के फेवर में कैसे आया तो दारा का जो फेलियर जो था वो काफी सिग्निफिकेंट था दारा के मिलिट्री कमांडर देना और रियलाइज कि बेसिकली विक्ट्री लाइज औरंगजेब, औरंगजेब तो, औरंग तो औरंग या फिर मुराद ये दोनों का अलायंस है तो दोनों में से कोई ना कोई तो बनने वाला है like एंड शिफ्टिंग है बट दारा अगेन ट्राइड मे जनवरी हंड्रेड एंड सॉरी अप्रैल आफ्टर ये मे के अराउंड हुआ तो मे में जो अगेन एक बैटल जो हुआ तो उसमें अल्टीमेटली फिर दारा सिको जो है ही अगेन एंड समुग्रह के बैटल में हारने के बाद दारा सिको फॉर द टाइम बिग मुल्तान दिग आफ्टर सिंध के एरिया में जो है भाग गया बट ये दोनों बैटल धर्म एंडर आफ्टर समुद्र सम्रह ये दोनों बैटल जो है जो दिल्ली के अराउंड ही हुए थे उन दोनों बैटल में अल्टीमेटली दारा सिको हु मुगल हेयर अपेरेंट शुड नेक्स्ट किंग तो ये वाला एस्पेक्ट जो इंडिया में खत्म हो गया

Uh, ये जो है अजमेर उसमें हार गया तो उसके बाद में ही ट्राइड टू रन अवे टूवर्ड्स अफगानिस्तान बट बीच में ही एक मिलिट्री कमांडर था उसने पकड़ लिया एम्पायर औरंगजेब ने फिर दारा सिको को जो है बेसिकली सूली पे चढ़ा भी दिया तो दैट वॉज दैड एंड ऑफ दारा सिको मुराद वॉज ऑल्सो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन था या फिर एक ही चैलेंज था दैट इज एम्पेयर

ये सारे भाइयों को बेसिकली एक तो औरंगजेब ने मरवा दिया या फिर खुद मार दिया एंड दैट इज बेसिकली द बैटल ऑफ सक्सेशन ये बैटल ऑफ सक्सेशन वाज देयर सिंस टाइम पीरियड ऑफ अकबर अकबर के बाद ही हमने देखा था कि जहांगीर हो सकता है या फिर शाहजहां हो सकता है दे हैड टू किल देयर ब्रदर्स इन ऑर्डर टू अज्यूम द थ्रोन बट वंस दे वर इन द थ्रोन ऑब्वियसली दे वर क्वाइट पावरफुल रूलर टू रूल देयर किंगडम

जिसने इनिशियल पे दारा सिको को सपोर्ट करके रखा था जैसे ही दारा सिको हार गया बैटल ऑफ धर्मत में एंड उसके बाद में जब औरंगजेब ने दिल्ली कैप्चर किया तो जहा जो है उसने औरंगजेब को सपोर्ट देके रखा था एंड थ्रू आउट हिज लाइफ औरंगजेब के टाइम पे ओके okay, उसकी जो बेसिकली बीबी -बी थी वो पहले ही मर चुकी थी बिफोर एज्यूमिंग थ्रोन तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ औरंगजेब जहा नारा उसकी जो बहन थी सगी बड़ी बहन थी श्री में द चीफ क्वीन और बेसिकली द प्राइमरी क्वीन ऑफ द एंटायर एम्पायर दर आफ्टर फिर औरंगजेब जो है उसकी रिलीजियस पॉलिसी जो है वो भी देखेंगे तो रिलीजियस पॉलिसी इज कंसर्न और इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करनी जो है जरूरी है काफी सिग्निफिकेंट भी है एनसीआर ने डाटा दे के रखा है ऑब्वियसली ये वाले डाटा मुझे नहीं लगता मेन्स में आएंगे बट पहले के जमाने में जी वन में या फिर हिस्ट्री सेक्शन में ऐसे वाले सवाल आते थे कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी फिर डिंगजेब रिलीजियस पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए तो औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी इम्पोर्टेंट इसीलिए अंडर हिज रूल पहला वाला तो अशोका था और अशोका के टाइम पे भी हमने देखा था एंशंट इंडिया के हमारे प्रॉब्लम kind of जो एम्पेयर औरंगजेब को भी फेस करने पड़े दोनों को जो बेसिकली पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड रिलीजियस बैलेंस जो वो बनाना था जिसमें अशोका की पॉलिसी ज्यादा बेटर अल्टीमेटली प्रूव हुई एज कम्पेयर टू औरंगजेब तो औरंगजेब के बारे में भी देखेंगे कि मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है मुगलिया सल्तनत का भी इसके अंडर हो चुका था वन ही डाइड इन सेवनटीन ओ सेवन तो रफली कावेरी तक का जो टेरिटरी है वो औरंगजेब के पास आ चुका था एंड औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी है उसमें हमको हमेशा एक डिसिप्लिन दिखा हुआ है इन द सेंस डेट की औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी जो है वो गाइडेड थी इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑफ़ स्टेट स्टेट से। अगर कोई भी के के साथ खेल रहा है, देन औरंगज़ेब विद द मुगल अथॉरिटी इर रिस्पेक्टिव ऑफ यूर मुस्लिम और इस्पेक्टिव यू आर सिख आपके साथ सेम ही चीज होती थी दैट इज योर एग्जीक्यूशन तो ये चीज़ जो हम लोग को औरंगजेब में हमेशा दिखी एंड इवन हिज ओन सन्स नॉट इन दैट रिगार्ड तो एक एग्जांपल भी है जो लेटर जो है औरंगजेब के बाद औरंगजेब का सक्सेसर भी बना इसको आप बहादुर शाह के नाम से भी जानते हो ही रूलर ऑफ गोलकोंडा इन सिक्सटीन हंड्रेड एंड एटी सिक्स में इस औरंगजेब इस टाइम पे दखन में ही था तो में औरंगज़ेब को कैप्चर करके मुगल सल्तनत अपने अंदर लाने का ट्राई कर चुका था बट कैप्चर करने उसको बारह साल के लिए जो है, जेल में भी डाल दिया गया था सेम थिंग अकबर अकबर जो है सन ऑफ औरंगजेब एंड ही रिवॉल्टेड इन सिक्सटीन हंड्रेड एंड एटी वन पहले उसने राजपूत का सपोर्ट लिया

तो अकबर ने जो रिलीजियस पॉलिसीज बनाई थी उसको शिफ्ट करने का ट्राई जो है वो औरंगजेब ने किया एंड औरंगजेब पॉलिसी वर मोर मोर हार्ड लाइनर या फिर राइट विंगर right तो बेसिकली इसके अगेंस्ट वी कैन क्लियरली कि जैसे हार्डलाइन के एविडेंसेस औरंगजेब के पॉलिसी में हमको दिखाई देंगे जैसे टेंपल डिस्ट्रक्शन हो सकता है आफ्टर फिर जो है उसका री इंट्रोडक्शन हो सकता है तो वैसा ही कुछ कुछ एविडेंस जो है औरंगजेब के टाइम पर हमको सेक्युलरिज्म का भी दिखाई देता है एंड एविडेंस इज बेसिकली जवाबीत आर बेसिकली सेक्युलर डिक्रीज़ औरंगजेब ऑलवेज यूज़ टू गिव बट ये कोई नॉर्मल या फिर नई चीज़ नहीं थी इट वॉज एन ऑर्डिनरी एस्पेक्ट हमने देखा था कि ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ अकबर हिमसेल्फ, अकबर ने खुद को इमाम डिक्लेयर करके रखा था दैट इज हीज दोल इंटरप्रेटर और प्राइमरी इंटरप्रेटर ऑफ दुरान तो मुगल एम्पायर हमेशा से ये पावर अपने पास लेके रखते थे एंड इन दैट कैपेसिटी मुगल एम्पायर बहुत टाइम पे शरिया एंड कुरान के अगेंस्ट जाके जो उनके सेक्युलर पॉलिसीज़ जो बनाई थी फॉर द सेक ऑफ द एम्पायर द सेक ऑफ द पॉवर बनाते हुए हमको दिखाई दिए है तो ये दोनों के एविडेंसिस है वी कैन क्लियरली सी इसका जैसे औरंगजेब जो है, औरंग है उसकेगेशन जो जो हमेशा से ही लगाया जाता है काफी हद तक सही भी है बट उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी मैंने आपको दे के रखा है ताकि यू कैन मैनेज द्वेश्चन और दी एंसर द वे यू वॉन्ट टू मैनेज दर आफ्टर फिर इसके जो इनिशियल रिफॉर्म जो थे वो इनिशियल रिफॉर्म में हम लोग को थोड़ा बहुत हार्ड लाइनिज्म दिखाई देता है सबसे पहले जो है उसने कलमा जो है वो कॉइंस के ऊपर लिखना बंद करवा दिया एंड एंडर आफ्टर रोज वाला जो फेस्टिवल जो है उसको भी बंद करवा दिया तो पहले तो कलमा की बात करेंगे कलमा क्या होता है तो इट इज बेसिकली ओथ ऑफ एलिजियंस टू तो इस्लामिक रिलीजन वेन यू टेक ओथ ऑफ एलिजियंस टू तो इस्लामिक रिलीजन एंड ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द सेक्रेट टेक्स बट ऑब्वियसली ऑबली कॉइंस के ऊपर आप लगाओगे तो कॉइन्स डिफाइल होते हैं कॉइन्स खराब होते हैं

And side, फिर ये पर्शियन न्यू ईयर वाली जो प्रैक्टिस है इसको भी औरंगजेब ने बंद करवा दिया भाई। सबसे पहले तो वो प्रैक्टिस, है, प्रैक्टिस है तो, तो औरंगजेब का हार्डलाइन हमको इनिशियल ही दिखाई दिया है वैसे फिर औरंगजेब ने मोहतिब अपॉइंट करके रखे थे इफ यू रिमेम्बर ऐसा ही कुछ कुछ एक टाइटल जो है इवन अलाउद्दीन खिलजे के टाइम पे भी हमको दिखाई देता है तो मोहतिब जो है दे आर बेसिकली सेंसरिक मोर सेंसर ऑफ पब्लिक मोर मतलब लोकल लेवल पे अगर आप इस्लामिक लॉ के हिसाब से नहीं रह रहे हो तो ऑब्वियसली ये लोग आपको पकड़ भी लेंगे एंड आपके खिलाफ जो है मुकदमा या फिर जो कानूनी कार्रवाई है वो भी करेंगे फील्ड ऑफ म्यूजिक में औरंगजेब ने म्यूजिक फॉरब कर दिया था क्यों बिकॉज इस्लामिक रिलीजन में म्यूजिक इज फॉर एंड इन दैटिटी हार्ड लाइन सुन्नी इस्लामिक पर्सन तो उसने अपने कोर्ट में जो है पूरा का पूरा म्यूजिक जो है वो भी बैन करके रखा था एंड इन दैट कैपेसिटी ये जो म्यूजिक बैन हुआ था उसके एविडेंसिस भी मिले हुए हैं हाउ एवर ये सारी की सारी जो चीजें हम लोगों को दिखाई देती है इसका एक रीज़न भी हमको मिला है एक्चुअली एंटायर इस्लामिक सल्तनत की अगर हम लोग बात करें तो एंटायर इस्लामिक सल्तनत में इट इज ऑलवेज अ गिवन और रिटर्न प्रिंसिपल वी कैन से ये प्रिंसिपल जो है ये काफी सिंपल है कि जब तक एग्जिस्टिंग बादशाह इज देयर या फिर एग्जिस्टिंग सुल्तान इज देयर कोई भी नया उसका बेटा जो है ही विल और ही कैन नेवर अज्यूम द थ्रोन अगर आपको एज्यूम करना है तो आपको आपके बाप को भी मारना पड़ेगा जब तक वो मरता नहीं है means existing सुल्तान जब तक जाता नहीं है, तब तक नया सुल्तान नहीं आएगा एन औरंगजेब इन बेसिकली सप्टेम्बर तक September 1657 तक हमने देखा था कि he started to revolt जब फेल इल। मरा नहीं था इट वॉज नॉर्मल स्टमक बग अपसेट हुआ था इसके लिए दस दिन कोर्ट में में नहीं आ पाया बट इट वेरी फॉर हिम कि उस चक्कर में उसका पूरा का पूरा का चला गया उसके खुद के बेटे ने निकाला बट इन केस ही वॉज अलाइव तब तक जो है बेसिकली इसको लेजिटीमसी नहीं आ रही थी किसको औरंगजेब को सेप्ट इस्लामिक रिलीजन की पहले का बादशाह जिंदा है फिर भी आपने अपने आप को बादशाह प्रोक्लेम करके रखा है एंड ऑबली वॉट इज द बिगेस्ट अप्रूवल दैट इस्लामिकेट ऑबियसली इट इज एन अप्रूवल ऑफ मक्का मदीना हम देख चुके पहले भी कि मक्का मदीना एक जमाने में बगदाद के खलीफ के अंडर था और वो खलीफ वाला टाइटल लोटोम टर्स के अंदर आ चुका था एंड ओटोमन टक्स जो है ऑबलीड नॉट अप्रूव ऑफ दिस प्रैक्टिस ऑफ औरंगजेब अपार्ट फ्रॉम दैट शाहरान जो था ईरान में भी बेसिकली इस टाइम पे हम लोगों को इस्लामिक रूल ही दिखाई देता है and पे थी. तो, तो लेटर भी लिखा था औरंगजेब को कि बेसिकली आप आलमगिरी नहीं कर रहे हो आप पिदारगिरी कर रहे हो आलमगिरी मतलब कॉन्करिंग ऑफ द वर्ल्ड पिदारगिरी मतलब बेसिकली कॉन्करिंग यदर तो बेसिकली आपकी जो प्रैक्टिस हम अप्रूव नहीं कर रहे हार्डलाइन इजम जो है इनिशियल पीरियड से ही औरंगजेब की पॉलिसी में हमको दिखाई दिया है कि भाई ही विल गेट लेजिटिमेसी ऑफ द इस्लामिक रूलर अगर वो थोड़ा सा अपने पॉलिसी में दिखाए तो इट वाज अ पॉलिसी जिसका एक ही लायबल या फिर प्लॉजिबल रीजन हमको दिखाई देता है कि वो लेजिटिमेसी हमने ये एंशंट टाइम में भी देखा था कि अगर आप हिंदू किंगडम भी देखोगे तो लेजिटिमेसी सेक्रीफाइजेस के बाद ही आएगी दैट इज ब्राह्मण जब देंगे तभी आएगी तो इन दैट कैपेसिटी इस्लामिक पर्सन के लिए भी Turk, जिसके अंदर मक्का मदीना है वहां से आनी चाहिए शरीफ ऑफ मक्का मदीना को और, औरंगजेब ने 1657 से 1666 तक हर बार जब-जब लेटर लिखे है गिफ्ट भेजे है वो रिफ्यूट ही नहीं हुआ है वहां पर एंड इवन शाह ऑफ पॉलिसीज जो है

ही हैड अंडर टेकन पोलिटिकल राइवरी अगेंस्ट राजपूत इसकी राजपूताना पॉलिसी भी देखेंगे and by this period of the time, जो है, वो साउथ में काफी हैवोक मचा रहे थे तो दिसर ऑफ द हिंदूज इन औरंगजेब कोर्ट एंड औरंगजेब एम्पायर एंड ऑब्वियसली अब ये दोनों पिलर जब हिलने चालू हुए तो औरंगजेब के पास एक ही पिलर बचा था दैट इज इस्लामिक इस पिलर And that's why, फिर 1679 औरंगजेब ने बहुत सारी ऐसी झरोका दर्शन बंद करना दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज बेसिकली यू कैन टॉक अबाउट दिस थिंग दैट इज बेसिकली जो ये सोने में जो तोलने वाली चीज जो होती थी वो बंद करना इवन जजिया जो है वो इसी ईयर में जो है

तो औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी है उसके पीछे का एक इंटेंशन आपको समझना पड़ेगा state, मतलब की रखने के लिए उसको जो करनी पड़ी वो औरंगजेब ने की उसी का मैंने आपको रीजन जो है अभी बता दिया रिम्पोजिशन ऑफ द ऑन मुस्लिम ट्रेडर ये भी हम लोगों को दिखाई देता है कि इनिशियल पीरियड में औरंगजेब जो है उसने इस्लामिक ट्रेडर जो उनके ऊपर टैक्सेशन बंद कर दिया फिर उसको पता चला कि भाई इस्लामिक ट्रेडर मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं हिंदू ट्रेडर का माल अपना माल दिखा के जो है टैक्स फ्री कर रहे हैं और इन रिटर्न उनको ब्राइब मिलती थी तो इन दैट कैपेसिटी फिर औरंगजेब ने इस्लामिक लोगों के ऊपर भी जो है क्या लगाना चालू कर दिया तो सेस लगाना या फिर टैक्स लगाना चालू कर दिया औरंगजेब की टेम्पल पॉलिसी जो है वो भी काफी सिग्निफिकेंट है टेम्पल पॉलिसी सिग्निफिकेंट है मतलब ओके तो सिक्सटीन हंड्रेड

ये डिमोलिशन ऑफ द टेम्पल का जो इनिशियल रीजन हमको दिखाई देता है कि टेम्पल जो है वहाँ पे रिलीजियस डिस्कशन चलते हैं एंड डर आफ्टर ब्राह्मण जो है पंडित जो है वो नॉलेज डिसमिनेशन कर रहे हैं नॉलेज फैलेगा तो मुगल कोर्ट के लिए अपोजिशन होगा एंड यही अपोजिशन खत्म करने के लिए टेम्पल डिस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटीज जो है वो औरंगजेब ने ली जो बाय एंड तक चली 1681 में जब औरंगजेब साउथ में में आया लेटर ऑन तो इसके बाद अगेन ये टेंपल डिस्ट्रक्शन वाली पॉलिसी जो है बंद करनी पड़ी औरंगजेब को बिकॉज दखन की जो मराठा नोबिलिटी स्टार्टेड टू ज्वाइन औरंगजेब एंड जब आपके नोबिलिटी में मराठास का कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर परसेंटेज बढ़ेगा आर हिंदू पीपल एन उनके टेम्पल को डिस्ट्रक्शन करने वाली एक्टिविटीज जो आप नहीं करोगे

विश्वनाथ टेम्पल ऑफ द बनारस एंड आफ्टर फिर ये मथुरा वाला जो टेम्पल जो है ये दोनों टेम्पल जो है औरंगजेब ने इनिशियल पीरियड में डिस्ट्रॉय करके रखे थे औरंगजाजेब ने असर कोई टेम्पल डिस्ट्रक्शन जो वो नहीं किया था रिपोजिशन ऑफ द जजिया ये भी मैंने अभी आपको समझा थान हंड्रेड एंड सेवन में ऐसी क्या सिचुएशन थी क्या औरंगाजेब को ऐसे कुछ हार्डलाइन मेजर्स एंटी हिंदू मेजर जो है वो लेने पड़े अंडर आफ्टर रीजन जो है वो देख के रखे बट अल्टीमेटली आते आते जब औरंगज़ेब दखन में था ही रियलाइज ना हम दखन में मराठास के साथ निगोशियशन करने पड़ेंगे तो मराठास को खुश करने के लिए उसने टेम्पर पीरियड पे जजिया सस्पेंड करके रखा था जो लेटर 1712 में जुल्फिकार खान ने अबोलिश कर दिया तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड तो टू जजिया जजिया क्या है ये हम पहले भी देख चुके हैं एज जजिया इस कंसर्न हमने देखा था कि जजिया जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले लगा के रखा था उसके पहले उशरफ एंड खराज वाले कंसेप्ट चलते थे ने ये वाला जो टैक्स है वो बंद करवा दिया था ने इसको आप चालू किया 1679 में। 1679 में और आपको खड़ा होना है तो आपको इस्लामिक रूलर एंड इस्लामिक कोर्ट जो है या फिर इस्लामिक आपके जो मिलिट्री कमांडर है उनका साथ आपको लगेगा तो आपने हार्ड लाइनर दिखाई दिया है बट नैनल बाई द टाइम औरंगजेब डाइडी बाई दैट पीरियड ऑफ द टाइम सिचुएशन ऑफ दायर जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी फ्रॉम दीरियडी लेकेवन इसके बीच में औरंगजेब का जो रूल रहा है उसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हिंदू पॉलिसी जो है औरंगजेब की हमको दिखाई दी है वेन यू डू नॉट है तो आप जो सिग्नल भेजोगे इन अमॉन्ग ऑर्डिनरी पीपलो बी नॉट गुड

एंड जब आप इंडिया की बात करोगे आप राजपूत रूलर को अपसेट करोगे मराठास को अपसेट करोगे देन ऑब्वियसली दिस आर द स्ट्रॉन्ग रूलिंग प्रिंसिपैलिटीज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम राजपूताना एरिया का सिग्निफिकेंस हमने सल्तनत में ही देखा था कि दिस इज दी एरिया विच यू शॉल नेवर मेस विद यहाँ पे अगर आप जाके गड़बड़ करोगे तो दिल्ली के लिए डायरेक्ट खतरा बना ही रहेगा सेम हैपन विद मराठास मराठास जो है उनको जाके डिफीट करने से बेटर अगर शिवाजी या फिर संभाजी दे अंडर मुगल आई हैव वेरी मच डिफरेंट बट अल्टीमेटली जो औरंगजेब की झील थी दैट इज सोल सोवर इन पावर एब्सोल्यूट पावर उस चक्कर में राजपूत भी अपसेट हुए मराठा भी अपसेट हुए पॉलिटिकल एंगल जब जाएंगे कल वाले लेक्चर में तब देखेंगे एंड इसी चक्कर में एक लार्ज हिंदू सेक्शन जो है वो सोसाइटी से सॉरी मुगल कोर्ट से एलियनेट होना चालू हुआ बाय द टाइम पीरियड और ज्यादा था एंड ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू परसेंट जो है राजपूत किंग या फिर राजपूत जो है हम लोगों को मुगल कोर्ट में दिखाई दिए है एंड ट्वेंटी वन परसेंट जो है मराठा तो हम लोगों को मुगल कोर्ट में दिखाई दिए है

इसी फैक्शन के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रदर्स एंड यही एं साथ साथ राइस का रास्ता भी एम्पायर में खोल दिया तो ये सारी चीजें जो है लेटर ऑन जाके इंटरलिंक हम लोग करेंगे बट इनिशियल औरंगजेब का जो बैटल ऑफ सक्सेशन था उसके वजह से एक बैड प्रेसिडेंट सेट हुआ क्या कि एम्पायर मरने के बाद ऑल सन्स विल हैव इक्वल क्लेम तो कोई नहीं मानने वाला नहीं माना था. तो एक एक जो बेसिकली, आपने सेट कर दिया लेटर ऑन फिर ये मुगल एम्पायर में आने ही वाला था वॉर ऑफ सक्सेशन जिसकी बात भी करेंगे जिसकी वजह से कोर्ट फैक्शनलिज्म बढ़ा एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मुगल कोर्ट में अब मोर देन हिंदू पीपल देयर and if hindu people were not good or they were not happy with here what then islamic policies and ye islamic policies bhali apne protection of the interest of state ke liye leke rakhi thi but ultimately policies ka loss jo hai wahi mughal empire ko hamesha se hi zyada hua hai तो ये पॉलिसी जो अभी हम लोगों ने देख ली एंड after हम लोगों ने जो Hindu nobility का जो एनहेंस percentage है वो भी देख लिया एंड chapter का नाम ही वही है that is disintegration of the Mughal empire

सबसे पहले जो है जो है मतलब बेसिक आपको history optional में, आपको में, दोनों लगते हैं। जैसे आज आपने देख लिया लेक्चर में बट ऑब्वियसली उसके पीछे के जो रीजनस है एंड फिर वो लिंकेजेस जो है वो बनाने आने चाहिए कंटेंट जो आपको याद नहीं रहा तो भी चल जाएगा बट वो प्रोसेस पता होनी चाहिए रीजन पता होने चाहिए That analytical aspect is always important.

इस हैं तो आपको दे के रखा है तो वैसा एक इलेबोरेट क्रक्स मटेरियल ऑल इम्पोर्टेंट रेफरेंस बुक ये मैंने बनाया हुआ कंटेंट है यही पढ़ के तो मुझे थ्री हंड्रेड प्लस आए थे तो आपको भी आएंगे ही आएंगे तो काफी इलेबोरेट कंटेंट है ये पढ़ोगे तो आपको पता चल भी जाएगा एंड दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज कॉल एज द सोल ऑफ आवर प्रोग्राम ये क्रक्स मटेरियल जो है वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहेगा ये करोगे तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल विल गेट टैकल्ड एंड आपको जो थ्री हंड्रेड प्लस जो है वो आने की गारंटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी दर आफ्टर हमारे पीपीटी का एक्सेस भी आपको रहेगा एंड आफ्टर मैं आपको हैंड रिटर्न नोट जो है वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा जब आप पीपीटी से पढ़ते हो तो एक विजुअल मेमोरीप हो जाती है मार्केट में जो कोर्सेज चलते हो बेसिकली जो है क्या है देन ऑब्वियसली वो डिक्टेशन बेस्ड कोर्सेस है जहां पर आपको बस एक डिक्टेशन दिया जाएगा एंड डिक्टन से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप पढ़ लो बट नो no.

Plus, we are talking about crux material PPT and thereafter handwritten notes. And apart from that, 12 test. This entire comprehensive package will develop your primary skill as well as secondary skill. Or is R we are giving you at a very affordable rate of 1599 if you use my course SN code, SN like So I hope it is quite clear, guys, if you are from history optional background. So I hope to see you in our live classes from 17 July onward. But if you are not from the history optional background,

Okay, so thank you so much guys. I will be stopping the session now. Thank you so much guys. Study IQ IS. Abtayari hui affordable.